स्वागत है आपका द मोर्चा के डेली बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने एक युवक को नामजद किया। सदर थाना क्षेत्र में एक गांव की एक महिला ने महिला थाना को दी शिकायत, जिसने बताया कि उसके 17 वर्षीय बेटे के साथ संगतपुरा गांव निवासी एक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इस मामले में उसके बेटे को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि महिला थाना की जांच अधिकारी प्रेमी देवी ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर रविवार को आरोप के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जाखलगढ़ के कमेटी के अंतर्गत जाखल अनाज मंडी व खरीद केंद्रों के 2,72,763 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई। जाखल मार्केट कमेटी अंतर्गत जाखल अनाज मंडी खरीद सेंटर चांदपुरा सतरपुरा व नियोन 10 अप्रैल से 15 अप्रैल यानी सिर्फ 5 दिनों में रिकॉर्ड 2,72,763 की क्विंटल की गेहूं की खरीद हुई, जिसमें जाखल में सबसे ज्यादा नियोन व सबसे कम की खरीद हुई। जाखल अनाज मंडी में हरियाणा के एक वेयर हाउस में 1,21,952 क्विंटल, एफर्ड में 46,389 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई, जबकि खरीद सेंटर सतपुरा हरियाणा में एक वेयर हाउस में 4,53,089 क्विंटल, चांदपुरा में हैफर्ड में 5,430 में न्यून व सबसे कम 8,683 क्विंटल की खरीद हुई। वहीं जाखल मार्केट कमेटी के सचिव संदीप गर्ग ने कहा कि पिछले साल गेहूं की खरीद 3,30,856 क्विंटल थी, वही चालू सीजन में अब तक 2,72,763 की खरीद हो चुकी है। गर्ग ने बताया कि लगाम व तेजी से उठाने की एजेंसी व ठेकेदारों को अधिकारियों के निर्देश दिए गए थे। पेहेवा शहर में पति पत्नी व सास से मारपीट करने व जान से मारने की दी धमकी। महिला ने जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश का लगाया आरोप। चार पर केस दर्ज कर पेहेवा शहरी थाने पर भारी प्रदीप कुमार ने रविवार समय को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस में दर्ज कर शिकायत पीड़ित महिला ने कहा कि गत दिनों वह पेहेवा शहर में अपनी क्री सरदार के घर आई थी, जहाँ पर उसकी सास उसके पति के साथ चार लोगों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, हमलावरों ने एक व्यक्ति ने उसे जोर जबरदस्ती गलत काम करने की भी कोशिश की। पीड़ित महिला अनुसार उक्त लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को दी, जिस पर कार्यवाही पेहवा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धारा 323, 354, 376, 511 मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फतेहपा धनखड़ मोहम्मदपुर रोड पर दो मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत व एक घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि मेरे ताऊ का लड़का सुरेंद्र, जो अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, रास्ते में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवारी जिसका नाम सुखदेव सिंह पुत्र गुलशन, मेरे भाई सुरेंद्र की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया गया। इलाज के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई। सुखदेव का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। इस मामले में मृतक सुरेंद्र के परिजनों ने पुलिस से अपील की सुखदेव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। जींद, हिसार, करनाल कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक समेत हरियाणा के सभी जिलों, देश व विदेश की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। द मोर्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।